क्या आप भी सपने में अक्सर सांप को देखते हैं? तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र का काफी ज्यादा महत्व है। सपनों का इंसान के जीवन से गहरा रिलेशन है। कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में सभी तरह के सपनों के बारे में बताया गया है। सपने में सांप देखने से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में सांप देखने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सपने में सांप देखने से किस तरह के संकेत मिलते हैं। अगर आप सपने में सांप को मरते या फिर किसी को सांप को मारने के लिए उकसाना देखते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये कुंडली में दोष बनने का संकेत होता है, जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसे में इस दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव जी की शरण में जाना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आप सपने में जीवित सांप को देखते हैं तो ये आपके जीवन में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस की तरफ संकेत करता है। ऐसी मान्यता है कि जीवित सांप को देखने का मतलब है कि आपकी मनोकामना पूर्ति के साथ आपके कई काम भी पूरे हो सकते हैं। अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और सांप आपका रास्ता काट जाए तो इसे काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये संकेत देता है कि लंबे समय से रुका हुआ आपका कोई काम पूरा होने वाला है। वहीं आपको किसी महत्वपूर्ण काम को करने में सफलता जरूर मिलेगी। पेड़ पर चढ़ा सांप दिखाई देना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। लोगों के रुके काम भी पूरे होंगे, क्योंकि सांप को पेड़ पर चढ़ते देखना आपकी प्रगति का संकेत है। अगर आप एक साथ कई सांप देख लेते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। इससे पहले आप सतर्क हो जाएं, लेकिन अगर आप सपने में उन सांप को मार देते हैं या उसे अपने आसपास से भगा देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने आने वाले संकट पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को सपने में सांप काट लेता है, इससे उनकी नींद भी खुल जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये शुभ संकेत है। इसका मतलब आपका अच्छा समय आने वाला है। आपको सपने में सफेद या सुनहरा सांप सपने में नजर आए तो इसका मतलब आपकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन अगर बार बार आपको सांप दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको पितृ दोष हो सकता है। सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है और आप घबराए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं। ये सपना भी अशुभ माना जाता है। सपने में सांप के दांतों का दिखना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप सपने में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको किसी से जल्द ही धोखा मिल सकता है। ऐसा सपना आने पर आपको सचेत होने की जरूरत है। अगर आप सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसा सपना आने पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप सपने में बार बार सांप को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष या काल सर्प दोष है। बार बार सपने में सांप को देखना अशुभ माना जाता है। इन दोषों की शांति कराएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए आर भारत के साथ।